2002 के पहले तो इस विषय में जानकारी थी नहीं कि आर्सेनिक क्या होता है। मेरे फादर को नौकरी में थे, नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद यहीं पे आए रहने लगे। रहते रहते उनको पैर में और हाथ में कैंसर हुआ था। उसके बाद हम लोग जांच करने के लिए वहाँ बेचू गए। बेचू से ये मालूम पड़ा कि आर्सेनिक इफेक्टेड ये चीज़ है, उनको कार्सिनोमा हो चुका था। यहाँ भी उसका इलाज हुआ लेकिन ठीक नहीं हुए, तो फिर चले गए हम एम्स में। वहाँ बात पता चली वहाँ पे कि ये चीज़ आर्सेनिक से होता है। कोई रिजल्ट वहाँ मिला नहीं। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि आप इसका कोई मेडिसिन है नहीं, जा करके आप लोग डिस्टिल वाटर यूज़ करो। गवर्नमेंट ने काम क्या क्या हुआ है, मतलब सप्लाई वाटर अपना दे दिया, उसके बाद कोई काम नहीं। हाँ, चर्म रोग स्पेशलिस्ट को बुला करके बैठा दिया अपने ब्लॉक पे। ब्लॉक को बैठाने के बाद उनको खुद ही समझ में था कि भाई यहाँ से क्या चीज़ होती है। जितना नॉलेज मान लीजिए कि हम और आपके बीच में हैं, जानते हैं उसी तरह से क्या है। तो कोई मेडिसिन है कुछ नहीं है, अपना विटामिन लो जाओ। कोई ट्रीटमेंट वगैरह के नाम पर कुछ हुआ नहीं। यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं आता है देखने के लिए, पूछने के लिए कि तुम मर रहे हो लोग कि जी रहे हो लोग। आप केवल वोट आता है तो सब नेता आता है, वोट पकड़ता है, ये करता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कोई बीतने के बाद कोई नहीं सुनता है। मेरा पिताजी का ऐसे हुआ कि 8-10 साल से चीती चीती होने लगा और खाना भी कम दिन पर दिन होने लगा, भोजन थोड़ा थोड़ा कम करने लगे। अभी तो भोजन एक टुकी रोटी खा रहे हैं 24 घंटे के अंदर में, और खाना पचता नहीं है, देह में चीती चीती हो गया है। हम लोग डॉक्टर कह जाते हैं तो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, वो डॉक्टर कह जाते हैं तो कहता है कुछ नहीं हुआ है। अब मेरे पिताजी अब कह रहे हैं कि हम बचेंगे नहीं, और फिर हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बाहरी इलाज कराएं, बनारस ले जाएं। हमारा भी प्रॉब्लम यही है। फिल्टर का भी अनुदान किया पानी के लिए, पानी की महामारी थी, लोग बोलते कि पानी का इतनी ज्यादा प्रभावित है, थोड़ा हो रहा है, फिल्टर का उपयोग किया गया। उसमें भी कुछ रहा, जब नेताजी ने टंकी का विस्तार करा तो कुछ तो कम हुआ है, क्योंकि हम ही लोगों के भी जकड़ा, हमारे बच्चे भी देखे, बच्चा है हमारा। गिफ्ट खोलो भाई, छाती खोलो तो देखिए, इनका नहीं आइए देखने। जो मतलब 30-35 के उम्र से ऊपर उठते हैं ना, उन्हीं को जकड़ दे। तीन चार साल रहो बन सांस लेने में दिक्कत हो रहा, जैसे बुझाला नो कि तो हाफ अटैक हो। लास्ट में तो नहीं, थोड़ा थोड़ा आखिर रह ला आसी बा यार सिनिक। अब जैसे है कौन चीज खा ले बनी, अब बहुत चीज खा ले बनी, तो बहुत चीज खाए तो हम मर जाए ना। जैसे बबुए बड़ा नू तो लोग टंकी टंकी आवा था तो कहो बुनी ना पड़ल तो कहो जाके उठा ले अलन भर ले अलन आ बुन आ बुनी पर लगी नु तो ना आवेला तो हिपी। कभी कभी गोर सूज जाला, कभी कभी हाथ में जैसे दर्द कर लगला। एक्सीन डॉक्टर के यहाँ गए बहुत, जैसे बास की मशीन डॉक्टर से उसे बोला कि तुम्हारा तो कैंसर हो जाएगा। हम तो इंतजार से डॉक्टर में एक हफ्ता भोजन ना कहेंगे तो बोलते ना खाली लिखा फूल बैठा रहे पढ़ पढ़ के बचला होते। हम तो डर गए, मगर यहाँ का आदमी डॉक्टर को बोला गया तुम्हारा कैंसर नहीं है, ये हुआ प्लांट है, तो उससे दवाई ये चला होता नहीं, टीन अब बढ़ा होता ना घटा। यही तो एग्जाम के टाइम मैं यहाँ पर 45 वर्षों की पत्रकार ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता में शामिल, यहाँ कम से कम अभी तक 50 से अधिक लोग आर्सेनिक प्रभावित होकर
विभिन्न रोगों से मर रहे हैं, लेकिन विडम्बना यह है कि शासक या डॉक्टर, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग दोनों लोग मिलजुल करके सीधा यही कहते हैं कि ये लीवर से मरे, कैंसर से मरे, किडनी रोग से मरे, बुखार से मरे। ये नहीं कोई सोने को तैयार रहता है कि ये आर्सेनिक के कारण ही लोगों की मौत हो रही है। Often we say arsenic is rogue poison. The reason is there, arsenic comes from the different sources, both anthropogenic and geogenic. But majority of the arsenic that you see in the Indo-Gangetic plain, that is geogenic. And the main cause of arsenic in water is the over-exploitation of the groundwater. To make it more simple, in Bihar and UP, there are many rivers along with Ganga that is coming from Himalayan areas. And that brings lots of silt from Himalayan area. And in the silt, there are so many minerals, so many stones, chips. But there is one mineral that is known as arsenopyrite. That is a combination of arsenic and iron. And it is insoluble in water. The WHO in 2016 declared that arsenic is one of the major mass poisoning. So we have come to that stage. And the first initial symptom that comes is in the palm and also the sole. In the palm and sole, there are blisters coming up. And slowly it becomes blackish in color and wart-like structure develops. In scientific language, we call it keratosis. अभी जो स्टूडेंट पानी पी रहे हैं वो इंडिया मार्क का हैंडपम्प से और एक नॉर्मल हैंडपम्प है, उसी दोनों से पानी भी पीते हैं, उसी पानी से खाना वगैरह भी बनाया जाता है। संस्था कोई आई थी, आर्सेनिक का जांच किया गया था, तो उसमें आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा जो उस रिपोर्ट में उन लोगों ने दिया था, दो तीन बार चेक किए थे उन्होंने, जो रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई उन्होंने बताया कि इसमें आर्सेनिक की जो अधिकतम मैक्सिमम मात्रा होती है उतना आर्सेनिक यहाँ है, 500 ppb या कुछ इस तरह का उन्होंने दिया है। इस संबंध में मैं कई पत्र खंड विकास अधिकारी महोदय को अपने विभाग में या उच्च अधिकारी महोदय को भी मैं दिया हूँ, लिखित रूप से भी दिया हूँ, लेकिन अद्यतन कोई प्रगति नहीं। भारत सरकार की टीम हैदराबाद से है और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया गंगा नदी के पानी को साफ करके, चूंकि उनके जांच में है कि साहब गंगा नदी के पानी में आर्सेनिक नहीं है, इसलिए गंगा नदी के पानी को साफ करके और ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को सप्लाई किया। लेकिन वो प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपये का बना, 800 करोड़, और ये व्यवस्था थी कि 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 25% यूपी गवर्नमेंट देगी। सरकारों ने धन के मामले में हाथ खड़ा कर लिया, साहब 800 करोड़ रुपये हम दे नहीं सकते, जबकि बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, बहुत पैसा नहीं है। अभी हम जल जीवन मिशन पर जो अभी फिलहाल चल रहा है, मोदी जी के जब से सरकार आई है चल रहा है, हमको लगता है कि लाखों करोड़ रुपये जल जीवन मिशन पर खर्च हो रहे हैं, और उस समय 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट खारिज कर दिया, लेकिन हम लोग की लड़ाई चलती रही। ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भूजल था उसका स्तर नीचे जाने लगा। अब भूजल के स्तर के नीचे जाने की वजह से आपको ऐसा भी हुआ कि वो हैंडपंप से नीचे चला गया, लेवल से नीचे चला गया, तो अब बाहर से जो एटमोसफियर से जो ऑक्सीजन है या और भी अन्य गैसेज हैं वो वहाँ पे आर्सेनोपायरेट के साथ रिएक्ट किए, और रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि वो तीनों तीन भाग में टूट गए, जिसको आर्सेनिक भी कहते हैं, फेरस भी कहते हैं और सल्फर भी कहते हैं। यही कारण है कि जहाँ पे भी आपका जो वाटर रिचार्ज हुआ तो वहाँ पे पानी जो आप चपाकल चलाते हैं, हैंडपम्प चलाते हैं, वहाँ चबूतरे में लालपन देखते हैं, तो वो आपको आयरन है जो कि आपको मुख्य रूप से दिखता है। बहुत लोग कहते हैं कि कपड़े धोने के बाद जो है
वो पीले पड़ जाते हैं, तो वो सल्फर है और आयरन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन चूंकि आर्सेनिक रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, इसीलिए वो नज़र नहीं आता है और वो मीठा जहर लोग सदियों से पी रहे हैं और इसकी वजह से जो है दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो रोग का जो प्रभाव है अब दिखना शुरू हो गया है, जो अब कैंसर के रूप में अब ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। तो वो जांच व्यवस्था जब तक नहीं होते तब तक वो फाइल जो है सोएगा। यही बात हम लोग साहब यही जानते हैं, सोच में हम लोग का सोच यही पड़ गया है। अब देखते देखते कि रामगढ़ तिवारी टोला गंगापुर ग्राम सभा बलिया जिला में कहीं है ही नहीं, सरकार की खत्म। तो चलिए फाइल गायब हो गई। फाइल गायब हो गई, केस की बात मैं नहीं जानता हूँ। गायब नहीं, ये पेंडिंग है। कितना वो जो है डॉक्टर, एक मिनट पर, कितना दिन? चार साल से हम बता रहे हैं पेंडिंग है। तो इनको लड़ना चाहिए ना, कह रहे थे कि फिर लड़ना चाहिए ना इनको, जो हमारा ग्राम सभा के ये वंचित तेज पुरुष है, इनके चलते यह टंकी का विस्तार हुआ, इसको लाइन बनी। इसको मैं बताऊंगा, यदि आप मुझसे पूछें इसको कैसे। आप हमें कोई तर्क नहीं कर रहे हैं। वाटर सप्लाई प्रोग्राम इन द कंट्री from the time of independence itself, the addressing of water quality and then, you know, providing safe and clean drinking water to people were only limited to this urban areas. So the rural areas actually lacked the broader institutional infrastructure as well as processes for, you know, providing safe and clean drinking water to people. I always say that is still, the problem is not out of hand. But if you leave it like this for 10 more years, things will go out of hand. This is the time when to take very proactive action from community and from government, from journalists, every stakeholder of the society. And then this problem can be tamed. It is possible to tame. We have a program on fluorosis. That is the only water-related health program that we have. We don't have. We merge arsenic. When it comes to arsenic, we merge it with the National Cancer Control. But the entire journey towards reaching to cancer, that journey is getting neglected. 14 के अंत में हमने देखा कि जो लोगों के पानी में जो आर्सेनिक था उसको पहली बार हम लोगों ने खोज कर बताया कि ये इसकी वजह से है। आपको पानी के अगर प्रभाव को कम करना है तो आपको सेफ वाटर की तरफ जाना होगा। और जब जैसे ही वो सेफ वाटर पे शिफ्ट किए, इनकी जो पड़ोसी है उनका पानी अगर साफ है तो उनका पानी पीने के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो उसकी वजह बाद में फिल्टर भी लग गए उसके तुरंत बाद, वो जब पानी का प्रयोग करने लगे तो उनके शरीर से वो सारे लक्षण खत्म होने लगे। ये एक बड़ा प्रभावी रहा कि जो लक्षण जो थे वो धीरे धीरे समाप्त होते गए और लोगों के बीच में जो सोशल जो गैप था वो धीरे धीरे समाप्त होते गया। मरने के बाद कौन जानता है कि मेरे फैमिली कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, वो मर रही है कि खा रही है कि नहीं खा रही है। हम मान लो का हो रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों को नहीं हो रहा है तो भरोसा तो है ही है, लेकिन ये भी थोड़ा इसको इंतजाम अच्छा से करेंगे लोग तब तो विभाग में। यहाँ पर जो स्थिति अभी चल रही है, इस स्थिति तो बहुत ही खराब जाएगी। हालांकि हम तो मान लीजिए अपने परिवार को या किसी व्यक्ति को जो नज़दीक में है जागरूक कर रहे हैं, वो तो समझ रहा है अपनी बात। हो सकता है कि अपने परिप्रेक्ष्य में वो अपने को यहाँ से अलग ही हटा। जिसके घर बच्चे मरे हैं, अभिभावक मरे हो, जिसके घर माता पिता मरे हो इस आर्सेनिक रूपी रोग से, उनके बच्चों के चेहरे ही बतला देंगे कितने खुशहाल हैं और उन्हें क्या समझे। उनके सामने तो भोजन, रोटी, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, मकान, आवास सारी समस्याएं पड़ी।